तो लगातार बात किसानों की हो रही है, क्योंकि भले ही आप सारे राज्य जीतते जा रहे हैं, आपकी गुजरात में जीत हुई, आपकी हिमाचल में जीत हुई, उत्तर प्रदेश आपने जीत लिया, लेकिन क्या किसान खुश है क्या इस सरकार से? सवाल सबसे बड़ा ये है। और तमाम किसान हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आप बताइए किस तरह से देखते हैं, क्या खुश है किसान इस सरकार से और आगे क्या उम्मीदें हैं? सरकार से किसान खुश नहीं है, परेशान है। सब चीज़ महंगी मिल रही, क्योंकि मकान किसी के बन नहीं रहे, जो कुछ वो लेंटर पड़े, ईंट लग नहीं रही, रेतन मिल रहा, बजरी मिल रही, हरेक आदमी मजदूर परेशान, किसान परेशान, क्योंकि बताओ काम कैसे। उन प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो गुजरात में जीत लिया, कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं लोग इसलिए वोट दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ नहीं वोट मिलने के बगैर, यहाँ नहीं वोट देते भाजपा को, सीधी बात है। अब क्या वोट नहीं है? नहीं मिलने की, विकास नहीं तो वोट नहीं। हाँ बिल्कुल है नहीं। और वो उन्होंने नया नारा दिया है कि जीतेगा भाई, जीतेगा विकास, जीतेगा ना करो कहाँ जीत जाए, इनमें दो लोग ढाली बैठे, बताओ क्या करें बेचारे। आपको क्या लगता है जी? मजदूर घर बैठे ना, काम ही नहीं है। किसानों के बारे में कहा था कि लोन माफ होगा, वो भी उनकी हवाई बात निकली, बस यही है जी। 100 अब्दे मतलब इसका भैया मान 100,000 का कर, 1,000 मतलब 100 का भैया मुश्किल। मतलब जमीनी स्तर पे सिर्फ बातें थी और कुछ का करा और खाना पूर्ति, खाना पूर्ति करी, जिसका जिसने लोन दिया ना उसका भी माफ होगी। बारे में कहते 15 दिन में पेमेंट आएगा, महीने में 2 महीने से पेमेंट भी नहीं आया, कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 15 दिन में पेमेंट कराएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है ना कोई करा रहा, ये तो हवा हवाई बात है इनकी। क्यों जी हवा हवाई हो रही है, क्या चीज़ है? आपको क्या लगता है, क्या फिर चाहे गन्ने का पेमेंट हो, फिर चाहे लोन की बात हो, जमीनी स्तर पे कुछ है कि सिर्फ हवा में? किसान फिलहाल परेशान है। किसानों का एक तो कर्जा माफी में कहा था, कर्जा माफ नहीं हो पाया, हुआ तो कब किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, सब मतलब सब समान है। किसान एक किसान का कर्जा माफ हो रहा, 10 का नहीं हो रहा, और गन्ने का पेमेंट भी है। किसान क्या करेगा, गन्ने का पेमेंट नहीं आएगा तो किसान आगे कैसे काम चलाएगा, कैसे खर्चे करेगा, कैसे फसल तैयार करेगा? 2019 में मोदी वर्सेस राहुल क्या लगता है? कांग्रेस को लड़ना ही पड़ेगा, जब जाएगा जान बचेगी आगे। राहुल? हाँ बिल्कुल। आप बताइए क्या 2019 राहुल वर्सेस मोदी? अगर किसान खुश रहे तो प्रसन्न मोदी। अच्छा, अगर किसान खुश नहीं तो फिर राहुल। अच्छा अध्यक्ष बन गए हैं राहुल, क्या लगता है कुछ बदलाव आ रहा है क्या राहुल में भी? पता किसान अभी तो चेंजिंग उनकी जब होगी, जब कुछ यहाँ कार्य जिला सहारनपुर के अंदर कुछ काम करके दिखाएंगे, जब होगी इसकी तो होगी। अभी तो कुछ अभी बदलेगी राजनीति, बदल सके अगर जो हाल चल रहा है बदलेगी। हमारे यहाँ तो अरोड़ा से वैसे भी काम, गरीब आदमी परेशान है, घर बैठे मजदूरी नहीं मिलती, बताओ कहाँ जाएंगे मजदूर? आप बताइए क्या वाकई बहुत बुरा हाल है? हाँ जी मजदूर के बारे में ज्यादा हाल खराब है, ज्यादा हाल खराब है जी, मजदूरी कहीं नहीं मिल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ हर चीज से आदमी परेशान है, मजदूरी आदमी मतलब दो रोटी खाने को मोहताज हो गया। हाँ जी परेशान है, परेशान है जी, मजदूरी है कहीं कहाँ से खाएगा वो। चलिए जी परेशान है, बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो लगातार किसान है, सबकी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा है और कोई कह रहा है कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल लगातार उन बातों पर है, उन दावों पर है जो दावे लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री मोदी को सोचने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।